Holy Jewel. और आज हम डिस्किट से जाएंगे पेंगोंग लेक की तरफ जो यहाँ से 154 किलोमीटर दूर है। सुबह मौसम थोड़ा सा खराब था इसलिए लेट हो गए और अब मौसम अच्छा है, एक बार आपको वहां जाके दिखाएंगे। और हमने परमिट ले रखा है पेंगोंग लेक वगैरह का सारा, ये हमारा परमिट है यहाँ पे पूरा। जो आगे जितनी जगह सारी इसके ऊपर मेंशन है, हर जगह जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक से एक बढ़कर आपका एडवेंचर हो, अच्छी से अच्छी सीनरी आपको दिखाई जाए, जिसको देख के लगे कि हाँ एक्चुअली में ही घूमने की कुछ जगह है। बाकी बातें बाइक पे करेंगे। फाइनली टाइम आ गया है डिस्किट को गुड बाय बोलने की, और एक बार आप व्यू चेकआउट करो सामने का। हालांकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, अभी यहीं से हम आए थे और क्या गजब की लोकेशन है, बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा है, एकदम एक्सीलेंट। और हरियाली के लिए यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन काफ़ी कम है। और दोबारा फिर उसी रोड पे आ गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और गड्डी जानती है अपनी बिल्कुल छलांगे मार दी, क्या गजब है, बिल्कुल नीला आसमान है और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। बाइक देख लो 90 पे चल रही है और पता नहीं लग रहा है कि पहाड़ों में 90 पे भी चल सकती है बाइक, गजब है बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट लोकेशन। अगर फोटो सेशन की बात करें तो यहाँ कलवार में काफ़ी सारी फ़ोटो खींची है, बहुत ही ज़बरदस्त फोटो यहाँ पे आई है, मस्त है बिल्कुल एकदम। अगर आप ले आ रहे हो तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, निवरा वैली को बिल्कुल घूम यहाँ आना। और बारिश के टाइम में तो यहाँ दोनों तरफ पानी होता है, बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू होता है यहाँ पे, एक्सीलेंट है। इसके आगे अगर आप जाना चाहो तो हुंडर है जहाँ आप जा सकते हो, जो इससे काफ़ी आगे बढ़ता है 80 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे कैनल सफारी भी होती है। लेकिन नुब्रा वैली एक्सीलेंट है, आर्मी बेस है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्किट जो बुद्ध की मोनेस्ट्री है, बुद्धा मोनेस्ट्री बोलते हैं उसको, बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे। और जैसा कि उम्मीद कर ही रहे थे कि ऑफ रोड आएगा, वो आ गया भयंकर वाला ऑफ रोड, जिसमें पानी भी है और पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो बाइक लेके जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन इसकी एक अलग सी फीलिंग है, इसमें मज़ा आ रहा है जाते हुए, क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया था कि जो डिस्किट से पेंगोंग लेक की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें काफ़ी ऑफ रोड आएगा, लेकिन अभी तक हमारे ज़्यादा मिला नहीं, अभी मिला है और हम बिल्कुल नदी के नीचे चल रहे हैं फिलहाल। इसके अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो नदी है, और तो हरियाली के लिए यहाँ पेड़ आप देख ही लो, बिल्कुल ज़बरदस्त बड़ा ऑफ रोड है। बाइक 10 की स्पीड पर चल रही है पहले गियर में, जिसमें कि हम एक पिलियन के साथ है। वैसे मेरी वाली जो बाइक है उसमें एक पिलियन है, प्रवीण मेरे साथ बैठा हुआ है, और जो दूसरी अपनी बाइक है होंडा साइन वो पीछे आ रही है, ज़बरदस्त वाला वो आ गया। लेकिन हमें अगर वाटर क्रॉसिंग की बात करें, हमें इतनी वाटर क्रॉसिंग अभी तक नहीं मिली जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें काफ़ी वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है, अभी तक नहीं मिली, ये छोटी छोटी आ रही है कहीं कहीं। लेकिन वो जो वाटर क्रॉसिंग है वो रोहतांग पास के पास है, जो जहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो अभी तक भी नहीं खुला हुआ है बर्फ़ की वजह से, अभी तक भी वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, हम उसको मिस करेंगे। पर फिर से काफ़ी अच्छा रोड आ गया है, और आसमान देखो बिल्कुल साफ मौसम, आज बारिश के कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नदी के अंदर से हम चल रहे हैं, ये रोड जो बिल्कुल नदी के अंदर से बना रखा है। लो जी एक बार फिर से आ गया है ऑफ रोड, और बिल्कुल भयंकर वाला बिल्कुल कच्चा रास्ता, हमारा फेवरेट है ऑफ रोड, और बाइक बिल्कुल आराम से चलानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पत्थर है और नुकीले पत्थर है, जिससे कि बाइक में पंचर होने का डर रहता है, और बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, बिल्कुल आराम से चलना पड़ेगा। इसलिए हो क्या रहा है, एक बार ऑफ रोड आ रहा है, फिर अच्छा रोड आ रहा है, फिर ऑफ रोड आ रहा है, 4-5 किलोमीटर का साफ रास्ता आता है, फिर उसके बाद ऑफ रोड आ जाता है, और ऑफ रोड भी बिल्कुल भयंकर वाला, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल कच्चे बड़े बड़े पत्थर, नुकीले पत्थर, जहाँ पे पंचर होने का डर रहता है पूरा। जी पहुँच गए गुंटर, और यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा, लेकिन टर्न देखना है किस साइड लेना है, राइट लेना है लेफ्ट लेना है, या किसी पूछना पड़ेगा या फिर बोर्ड देखना पड़ेगा। और जो बोर्ड कह रहा है जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है लेक की तरफ, और जो लेफ्ट साइड को जा रहा है वो जा रहा है पेंगोंग लेक की तरफ, तो चलते हैं पेंगोंग लेक की तरफ। और अभी तक बाइक हमने काफ़ी चला दी है, और जो अपनी भाई है विजय वो थोड़े पीछे रह गए, अब तो होगा टाइम फॉर कोल्ड ड्रिंक ब्रेक के लिए, क्योंकि
की तकरीबन 100-120 किलोमीटर बाइक हमने चला दी, जहाँ से 30 या 35 किलोमीटर पेंगोंग लेक रह चुकी है। लेकिन उससे पहले कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं पीछे, और सामने से आएगा विजय भाई तो उसको रोक लेंगे यहीं पे, और इसके बाद सीधा हमारा स्टॉपेज होएगा पेंगोंग लेक, पहुँच के करेंगे बहुत सारी मस्ती। आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि पेंगोंग लेक की तरफ। और आज का जो हमारा मेन लक्ष्य है वो है पेंगोंग लेक, वहाँ पे जाके करेंगे बहुत सारी मस्ती, क्योंकि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं उसको, वॉलपेपर देख रहे हैं, कहीं पे वीडियो देख रहे हैं पेंगोंग लेक की, और आज मौका मिला है पेंगोंग लेक पे पहुँचने का। ज़बरदस्त वाड़ मस्ती करेंगे वहाँ पे जाके। और अगर इसी एरिया की बात करूँ तो ये है उंटर, और आसपास का जो एरिया ये आर्मी बेस है, यहाँ पे पूरी आर्मी मिलेगी आपको कहीं पे, अगर लद्दाख में कहीं पे भी जाओगे तो। और हुंटर से सीधा पहुँचे हैं राजस्थान, नहीं राजस्थान दोस्तों, ये हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ। तो रास्ते में देख लो कितनी वो बाइक बिल्कुल स्किड कर रही है, इतना रेत है जैसे कि राजस्थान में होता है, बाइक को बिल्कुल केयरफुली चलाना पड़ रहा है, और कहीं पर बाइक स्किड कर रही है वो बिल्कुल गिरने को हो जाती है बाइक, बहुत ज़्यादा रेत है, जैसे कि हम राजस्थान में ऐसा रेत देखते हैं बिल्कुल, जो जिसको हम बालू रेत भी बोलते हैं, ज़बरदस्त। और इस तरह का पुल आपने 3 फिल्म में देखा होगा, जहाँ से वो गड्डी को बैक मोड़ते हैं लेके जाने के लिए, ये सेम ऐसे पुल लग रहा है, और ये बिल्कुल एक ही सवारी के लिए, अगर 4 निकले तो यहाँ से एक बाकी उधर उधर किसी एक साइड वेट करना पड़ेगा, और बिल्कुल रोड आ गया एक बार। और सामने देखो बिल्कुल ही लाल पत्थर या लाल मिट्टी का एक पहाड़ आ रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है, और बिल्कुल ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी डर तो लग रहा है इसको देखने में, क्योंकि पत्थर गिरने का डर है। और यहाँ से पेंगोंग लेक रह गया 2 किलोमीटर के आसपास, और आप सामने का व्यू चेक करो कि कितना गजब है, और इस व्यू को देख के एक सॉन्ग मेरे को याद आ रहा है, सुनना चाहोगे आप सब लोग तो सुनो। हिसाब से ये सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस व्यू को देख के, ज़बरदस्त व्यू है, पानी बिल्कुल साफ है, और आप जो पेंगोंग लेक की जो मस्ती है आप नेक्स्ट वीडियो में वो देखोगे, क्योंकि अगर मैं अभी इसी वीडियो में डाल दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ना तो आपको मज़ा आएगा देखते हुए और ना ही मेरे को मज़ा आएगा अपलोड करते हुए, क्योंकि नेट काफ़ी स्लो होता है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, और मेरे साथ बने रहिए, मेरे द मान राइटर को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छे अच्छे टूर आने वाले हैं।